नमस्ते दोस्तों, कुक विद रेनुजा में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ सोयाबीन और अंडे से बनी एक ऐसी रेसिपी शेयर करूँगी जो आपके नॉनवेज के स्वाद को भी भुला देगी। आशा करती हूँ आप सभी को ये रेसिपी पसंद आएगी। तो आज की रेसिपी अगर पसंद आए तो लाइक एंड कॉमेंट कीजिएगा और मेरी रेसिपी को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने 2 कप सोयाबीन को हल्के गर्म पानी में 5 मिनट के लिए भिगो के रख लिया था और ये अच्छे से सॉफ्ट भी हो चुका है। तो करीबन ही हमारा ये 100 ग्राम सोयाबीन है। अब इसे हम निचोड़ के अलग बर्तन में रख लेते हैं। इसे हमने अच्छी तरह से निचोड़ना है। फ्रेंड्स, देखिए मैंने अलग से इसे बर्तन में रख लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर मिला लेती हूँ, थोड़ा सा साथ में धनिया पाउडर। और थोड़ी सी लाल मिर्च मिलाने के बाद आपने इसमें थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें नमक मिला लीजिए। देखिए अब मैं इसमें अंडे डाल देती हूँ। मैंने इसमें 2 अंडे करीबन मिला लिए हैं। और अंडा मिलाने के बाद मैं इसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर पाउडर। कॉर्नफ्लोर से क्या होगा कि इसकी अच्छी सी कोटिंग हो जाएगी। और इसके बाद मैं इसे चम्मच से इस तरह से मिक्स कर लेती हूँ। आपने पूरा इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने करीबन 5 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देना है। फ्रेंड्स, और अब मैं एक कढ़ाई ले लेती हूँ। कढ़ाई में मैंने 1 चम्मच तेल डाल लिया है। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए आप इसमें सोयाबीन डाल दीजिए। इसे हमने अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है। इसे आपने करीबन 5 से 10 मिनट मीडियम फ्लेम पे पकाना है फ्रेंड्स, ताकि आपकी जो सोयाबीन है बहुत ही अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए। देखिए इसका कलर भी अब चेंज हो गया है और ये अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। तो चलिए अब इसको मैं एक अलग से प्लेट में निकाल लेती हूँ। मैंने अपनी सारी सोयाबीन इसमें निकाल लेनी है। तड़के के लिए मैंने सब्जियाँ काट के रख ली हैं फ्रेंड्स। प्याज, शिमला मिर्च और थोड़ा सा आलू और थोड़े से टमेटो मैंने काट के रख लिए हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आलू को फ्राई कर लेती हूँ। और आलू को मैंने 2 मिनट तक फ्राई करना है या फिर तब तक जब तक कि उसका कलर थोड़ा सा चेंज ना हो जाए। देखिए आलू को मैंने फ्राई कर लिया है और मेरा आलू अब सॉफ्ट भी हो चुका है। तो चलिए मैं अब इसे निकाल लेती हूँ। कम तेल में बना हुआ बहुत ही हेल्दी नाश्ता है फ्रेंड्स, आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। मैं इसे उसी प्लेट में निकाल लेती हूँ जिसमें मैंने सोयाबीन निकाली हुई है। चलिए मैंने अब इसे निकाल लिया है। मैंने अब इसमें 1 प्याज डाल देना है जो कि मैंने रफली चॉप्ड किया हुआ है। देखिए प्याज जब थोड़ा सा फ्राई हो जाए तो आप इसमें शिमला मिर्च डाल दीजिए। शिमला मिर्च को भी मैंने चॉप्ड करके रखा हुआ है। जब शिमला मिर्च भी थोड़ा सा फ्राई हो जाए, जो हमने टमाटर काट के रखे हुए थे ना वो इसमें ऐड कर देने। और टमाटर ऐड करने के बाद आप इसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिए अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। मैंने 1/2 स्पून लिया हुआ है, आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं। और टमाटर को अच्छे से सॉफ्ट कर लेना है।
टमाटर अब हमारा सॉफ्ट हो चुका है। अब मैं इसमें अपनी सोयाबीन और आलू डाल देती हूँ जो कि मैंने फ्राई करके रखे हुए हैं। इसे मैंने मसाले में अच्छी तरीके से भून लेना है फ्रेंड्स। ये अब अच्छी तरह से भून चुका है तो मैं इसमें डाल देती हूँ टमेटो सॉस। इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाएगा। टमेटो सॉस डालने के बाद आप इसे भी अच्छी तरीके से मिला लीजिए। और हाफ स्पून मैंने हरी मिर्च कट करके रखी हुई है वो भी इसमें डाल देती हूँ। और इसे मिलाने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी हाफ स्पून सेजवान चटनी। सेजवान चटनी से क्या है ना, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, तो आप इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए इसमें। देखिए पूरा अच्छे से कोट हो चुका है और ये अच्छे से भुन चुका है। तो सोयाबीन और अंडे से बनी स्पेशल रेसिपी हमारी बनकर तैयार है। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं एक प्लेट में। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।